साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही अचूक विधि दे रहा हूं वशीकरण की। यदि आप लोग काफी ऐसे रेमेडीज किए हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल पाया है तो आज की विधि बहुत ही खास और बहुत ही पावरफुल है। इसमें कुछ सावधानियां आप रखेंगे और उन टिप्स को फॉलो करके यदि आप इस रेमेडी को करते हैं 100% आपको एक दिन में एक घंटे में इसका रिजल्ट मिल जाएगा। कोई भी रेमेडीज करते हैं तो सबसे पहले अपना विश्वास, अपना फेथ, अपना कंसंट्रेशन पावर, इन चीजों को स्ट्रांग रखें, अपने इरादे नेक रखें, मकसद जायज रखें। किसी भी कार्य को करते हैं दोस्तों दैविक शक्ति का सहारा लेते हैं तो सबसे पहले उन पर विश्वास रखें, आस्था रखें कि आप कोई कर्म कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। देखिए कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि अगर आप किसी पे इस रेमेडी को कोई भी आप रेमेडी कर रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इसका रीजन ये हो सकता है कि उसके ऊपर पहले से कुछ ऐसी क्रिया हो, कुछ काला जादू, ब्लैक मैजिक या कुछ प्रोटेक्शन हो जिसके कारण आप उसमें कोई अगर वशीकरण की कोई क्रिया कर रहे हैं तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर उसके किसी व्यक्ति के ऊपर पहले से कुछ तंत्र मंत्र की कुछ क्रिया है तो उस पर कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करती है। तो ऐसी कंडीशन यदि आपके साथ में है तो आप मुझसे कोई विधि करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी रिलेशनशिप को यदि आप बचाना चाहते हैं, यदि पति पत्नी में बहुत ज्यादा अनबन है, दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी है तो सिर्फ एक दिन की इस रेमेडी को आप करके देखिए, 100% इसका रिजल्ट आपको एक घंटे में मिल जाएगा। अगर बात बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, रिलेशनशिप एकदम टूटने के कगार पर है, डिवोर्स तक कंडीशन आ गई है तो ये आपको काफी हेल्प करेगी। इसमें इस रेमेडी को दोस्तों करने के लिए आप मंगलवार, गुरुवार और रविवार, ये तीन दिन, इन तीन दिनों में से किसी भी दिन आप कर सकते हैं। समय रखना है इसमें आपको रात्रि 12 से 3 का या 12 से 12 बजे के बाद में, सूर्य उदय से पहले आप इस रेमेडी को कर सकते हैं। पवित्रता का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। रात में 12 बजे से इस रेमेडी को करने से पहले आपको स्नान वगैरह कर लेना है, शुद्ध हो जाना है, स्वच्छ कपड़े पहन लेने हैं, ठीक है। और विश्वास के साथ में इस रेमेडी को आपको करना है। और दिशा रहेगी, दिशा जो रहेगा आपका मुख रहेगा पूर्व दिशा की तरफ मुख रखना है आपको। एक इलायची और थोड़े से दूध की इसमें आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास समय के कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता रहता हूं। कोई खास जानकारी जो आपके काम की आपसे मिस ना हो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी जानकारी यहां से प्रसारित करूं वो आपके काम की जानकारी आपसे मिस ना हो, ठीक है, और आप लोगों तक आसानी से और तेजी से प्राप्त हो। दोस्तों देखिए कभी कभी ये कंडीशन रहती है कि यदि आपके बर्थ चार्ट में कोई प्रॉब्लम है, यदि आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है या कोई प्लैनेट अनबैलेंस है तो आप कोई भी रेमेडीज करते हैं उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, वर्क नहीं करती है। तो अपना बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडी करना चाहते हैं तो मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके घर में किसी प्रकार का वास्तु अनबैलेंस है या आपके घर में किसी प्रकार की बंदिश है या आपके घर में किसी प्रकार का तंत्र मंत्र, कोई टोना टोटका, कोई ब्लैक मैजिक है या कोई नेगेटिव एनर्जी है तो आप कोई भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, कोई भी रेमेडीज करेंगे वो वर्क नहीं करेगी। तो यदि अपना बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं या फिर अपना घर का वास्तु चेक कराना चाहते हैं, घर में किसी प्रकार की बंदिश चेक कराना चाहते हैं और उसको रिमूव करा के अपने घर को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र की क्रिया आपके घर में ना हो उसके लिए अपने घर को प्रोटेक्ट करवाना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की पूजा विधि मुझसे करवाना चाहते हैं, किसी भी प्लैनेट को बैलेंस करने के लिए कोई पूजा अनुष्ठान मुझसे करवाना चाहते हैं तो मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके घर में ग्रह कलेश ज्यादा रहता है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, पति पत्नी में अनबन है या बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कैरियर में दिक्कत आ रही, स्टडी में दिक्कत आ रही, शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, ऐसी कोई भी परेशानी है, किसी भी समस्या का समाधान मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या इसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप में जाकर के चार्ज पे करके अपने अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो भी समस्या है 100% आपकी हर एक समस्या का सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है तो आपके नाम पर, आपके माता पिता के नाम पर, एनर्जी बेस पर आपकी जो भी समस्या है 100% आपकी हर एक समस्या का आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रयोग को करने के लिए दोस्तों आप मंगलवार, गुरुवार या फिर रविवार, इन दिनों में से आपको रात्रि 12 बजे इस क्रिया को आपको करना है।
घर के एकांत कमरे में बैठना है, जिस दिन इस प्रयोग को करेंगे नॉनवेज आपको नहीं लेना है, अल्कोहल नहीं लेना है, शराब नहीं पीना है, महिलाएं यदि कर रहे हैं अशुद्धि वाले दिन में नहीं करना है, ठीक है। घर के एक कोने में आपको कोई आपको देखे ना, रोके ना, टोके ना, ऐसी जगह आपको बैठ जाना है, पूर्व दिशा की तरफ मुख रखना है, नीचे आपको आसन लगाना है, सिर में कपड़ा रखना है, सामने एक पटरा बिछाएं, एक पात्र में एक इलायची रखें और थोड़ा सा सामने दूध रखना है। सबसे पहले महादेव का ध्यान करना है, उनसे आज्ञा लेना है कि आप अमुक कार्य के लिए, अमुक व्यक्ति को अपने अनुकूल करने के लिए इस क्रिया को कर रहे हैं, आपको आज्ञा दें, आशीर्वाद दें। फिर गणेश भगवान का ध्यान करना है, समस्त विघ्नों के हरते हैं, उनसे आज्ञा लें, आशीर्वाद दें। उसके बाद नौ ग्रहों का ध्यान करना है, उनसे आज्ञा लेना है, आशीर्वाद देना है। फिर आपके वास्तुपीठ भगवान है, उनसे आज्ञा लेना है, जिस घर में आप रहते हैं उसमें वास्तु पुरुष वास्तुपीठ भगवान होते हैं, उनसे आज्ञा लेनी है, आशीर्वाद लेनी है। फिर आगे की क्रिया आपको शुरू करनी है। आपको एक इलायची लेनी है और अपने जीभ के नीचे आपको दवा लेनी है, यहां पर आपका जो स्लाइवा होगा ये वर्क करेगा, ठीक है। तो आप इलायची एक लेंगे और एकदम हरी इलायची लेनी है आपको, इस चीज का ध्यान देना है, एकदम हरी और जिसमें दाने हो, मतलब कि दाने एकदम टाइट हो, ऐसी इलायची लेकर के जीभ के नीचे आपको रख लेनी है। और एक मंत्र मैं आपको बोल रहा हूं, इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है, ठीक है। मंत्र का 108 बार ही जाप करना है, ओम काली कपालिनी सामने वाले का नाम, ठीक है। शरीर एवं आत्मा मम वश्यम कुरुकुरु स्वाहा, इस मंत्र का 108 बार, यानी कि 107 ना हो, 109 ना हो, मंत्रों की काउंटिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। मंत्रों की काउंटिंग में अगर एक मतलब कि आगे पीछे हो गया तो ये वर्क नहीं करती है। तो मंत्र की काउंटिंग जैसे मैंने बताया, जैसे मंत्र मैंने बताया 108 बार इस मंत्र का आप जाप करेंगे, ठीक है। जैसे आपका जाप पूरा होता है आपको क्या करना है, उस इलायची को निकाल करके जो दूध आपने सामने किसी पात्र में रखा था उसमें आपको डाल देना है, ठीक है। अब जैसे जहां पर मैंने बताया मंत्र में सामने वाले का नाम, तो वहां पर उस व्यक्ति का आप नाम लेंगे, ठीक है। मंत्र को जिस तरीके से बताया उस व्यक्ति का आप नाम लेंगे, उसके बाद में इलायची आप दूध में डाल देंगे। अब इस दूध को उठा करके आपको क्या करना है, अपने सिरहाने रख करके आपको सो जाना है। रात्रि 12 से 3 बजे प्रयोग करेंगे, जब क्रिया आपकी कंप्लीट हो जाती है, दूध अपने सिरहाने रख करके सो जाएंगे। सुबह उठते हैं सूर्य उदय से पहले, सूर्योदय से पहले आपको उठ जाना है और इस दूध को सामने रख करके 7 बार इसमें आपको फूंक मारनी है, ठीक है। फिर दूध को आप कहीं भी रख सकते हैं। अब सूर्य अस्त से पहले, जैसे आपने गुरुवार को किया तो शुक्रवार के दिन में सूर्य अस्त से पहले थोड़ा सा भी दूध, एक घूंट भी दूध किसी भी चीज में मिला करके, आप चाहे तो पूरा भी पिला सकते हैं, किसी भी चीज में मिला करके आपको उस दूध को चाय बना करके या किसी भी चीज में मिला करके एक घूंट दूध यदि आपने जिस व्यक्ति को आप कर रहे हैं उसको पिला दिया, उम्र भर के लिए वो व्यक्ति आपका गुलाम हो जाएगा। आप करके देखिए दोस्तों इसको, तुरंत में ही जैसे आप पिलाएंगे 1 घंटे बाद ही आप देखेंगे कि उसके अंदर पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। जितना आप इंपॉर्टेंस दे रहे थे उससे 100 गुना ज्यादा वो व्यक्ति आपको इंपॉर्टेंस देगा, इतनी पावरफुल ये रेमेडी है। कोई भी रेमेडी करते हैं तो उसमें विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी होता है, सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सावधानी मैंने आपको बता दी है, अल्कोहल नहीं लेंगे, जमीन पर नहीं बैठना है, कोई भी चीज जमीन में टच नहीं होने देना है, पूरे विश्वास के साथ में करना है, इरादे नेक हो, मकसद जायज हो, ठीक है। और जिस व्यक्ति को आप जानते हो उसके लिए आप इस रेमेडी को कर सकते हैं, अनजान व्यक्ति के लिए इस रेमेडी को नहीं कर सकते। और गलत वो करके इरादे से आप इस रेमेडी को करेंगे तो आपको बैकफायर भी कर सकती है, तो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ना करें, नेक इरादे से करें, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया किसी व्यक्ति पर पहले से यदि किस प्रकार की तंत्र क्रिया है तो उस पर कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करती है। तो कोई भी क्रिया कोई भी विधि अगर मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, कर्ज की समस्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, या लाइफ में बहुत सारे ऑप्टिकल्स लगे हुए हैं, या फिर आपके बर्थ चार्ट में कोई प्रॉब्लम है, बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी परेशानी है आपके 100% आपकी हर समस्या का सटीक से सटीक आपको समाधान दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय श्री काली ये जरूर लिखें, इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहां से आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूं। और आपको लगे कि किसी को जानकारी की नीड है उस तक इस जानकारी को जरूर शेयर करें। तो आज के दिन में दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा जय श्री काली।